लड़कियों की एजुकेशन, लड़कियों की एजुकेशन के संबंध में ये फिल्म बनाई गई है। और भोजपुरी में तो आप जानते हैं कि भोजपुरी फिल्में जब से शुरू हुई और आज में बहुत ही अंतर आ गया है, बहुत ही डिफरेंस आया है। ठीक है, शुरू में भोजपुरी जब आई थी तो लोगों का रुझान भोजपुरी की तरफ हो, भोजपुरी फिल्मों की तरफ हो, इसलिए उस तरह की फिल्में बनती थी। लेकिन अब भोजपुरी का एक नाम हो गया है फिल्म इंडस्ट्री में कि भोजपुरी फिल्में भी होती हैं और अच्छे लोग हैं इसमें, और अब वो परिपाटी बदल गई है। और अब हम एक किसी खास कथानक को लेके चलते हैं, एक कोई सामाजिक रीजन होता है, कोई कारण होता है, उसको लेके चलते हैं। और उन पर बहुत सी फिल्में आ रही हैं, बन रही हैं। अफसर बिटिया भी उन्हीं में से एक फिल्म है और बहुत अच्छी सोच है ये, क्योंकि आज के समाज की सबसे बड़ी जो हमारी सबसे बड़ी परेशानी या जो कुछ भी कही सबसे बड़ी जरूरत हमारे समाज की है, आवश्यकता बन चुकी है, आवश्यकता जो है हमारी, जिसको हम नजरअंदाज करते रहते हैं हमेशा, और वो है लड़कियों की एजुकेशन। लड़कियों के एजुकेशन के संबंध में ये फिल्म बनाई गई है। और भोजपुरी में तो आप जानते हैं कि भोजपुरी में हम लोग यूपी बिहार से जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो है पिछड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं हम लोग, तो उसी चीज़ को लेकर के ये फिल्म बनाई गई है। और बहुत अच्छी सोच है और इससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी और नई विचारधारा है ये। मैं वाकई में राकेश जी ने जैसा कहा कि ये एक तरह से एजुकेशन एक आवश्यकता है हमारे समाज की, तो आवश्यकता तो ये शुरू से थी लेकिन उसको आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं थे, तो इसलिए आज ये आवश्यकता बन चुकी है। और कहा भी जाता है कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो वो सिर्फ एक परिवार को ही संभाल पाता है, अगर एक महिला या कोई फीमेल या कोई लड़की शिक्षित होती है तो वो दो परिवार को संभाल के रखती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं 1:2 का जो रेशियो है, मैथमेटिक्स गणित हमारी जिंदगी का एक अहम पहलू है, तो अगर हम इस गणित को लेके चलते हैं तो अगर एक लड़की दो परिवार को संभाल सकती है और संभालती भी है अपनी शिक्षा के माध्यम से, देखिए सिर्फ शिक्षा सिर्फ परिवार को संभालना है या एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान में फर्क होता है, तो शिक्षा अगर है तो ज्ञान अपने आप आ जाता है। तो ये शिक्षा एक महिला की उसके रसोई से लेके, उसके बच्चों से लेके, उसके परिवार से लेके, स्वास्थ्य से लेके और रिश्तेदारों तक से लेके समाज तक को कवर करता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये अफसर बिटिया की कहानी। आइए हम और आप एक बार फिर से पहुँचते हैं थिएटर में और देखते हैं अफसर बिटिया।